थाना प्रेमनगर क्षेत्र में बिरयानी की दुकान का चबूतरा तोड़ जाने को लेकर बवाल हो गया। राम जानकी मंदिर के पास बिरयानी की दुकान के आगे का अतिक्रमण तोड़ने के बाद बवाल हो गया। आरोप है कि दुकान मालिक ने एक दर्जन साथियों साथ हथियार से लैस होकर दवा व्यापारी पर हमला कर दिया। इसमें दवा व्यापारी घायल हो गए। इससे बाद दहशत फैल गई। लोग हथियारबंद युवकों को देखकर दुकान बंद करके भागने लगे। भीड़ एकत्र हो गई। हमलावर भागने हिंदू संगठनों के लोग ये कुछ दुकानें यहाँ पे हैं जो चिकन और बिरयानी की दुकानें हैं, जिसको लेके कुछ लोगों को आपत्ति थी। आपस में कुछ कहा सुनी हुई ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ लोग हमलावर हुए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। तो इस पे यहाँ पे पुलिस आई है और थोड़ी भीड़ भाड़ थी जिस पर बातचीत करके उनको हटाया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। भाजपा नेता अंकित हैं सर, ऊपर तलवारों से हमला किया गया है। अभी मैंने उनको देखा नहीं है, मैं मौके पे हूँ। बाकी अगर कोई चोट लगी है तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। क्या वजह क्या थी, किस वजह से? वजह बताया जा रहा है कि यहाँ चिकन और बिरयानी की दुकानें हैं जो पक्की शॉप हैं और उनके आसपास कहीं कुछ अतिक्रमण हो, जिससे कि नगर निगम अतिक्रमण हटवा रहा था। इस बीच में कुछ लोगों द्वारा आपस में विवाद हुआ, उस विवाद में कुछ लोग हमलावर हुए। क्या कौन लोग थे, क्या थे, वो नाम अभी हमारे पास आने बाकी हैं वादी के द्वारा। जब नाम आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। वहाँ भ्रम हुआ कि अतिक्रमण हटाने काम जो है बगल के दुकानदारों ने कराया और उसी उत्तेजना में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में मतलब मारपीट हुई। एक पक्ष को किसी को चाकू लगना बताया गया। अभी CCTV फुटेज देख करके उस पर कार्रवाई की जा रही। जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज हुई है। यतीन भाटिया जी ने FIR दी है, उस पर जांच चल रही है और इस पर यथाशीघ्र